अच्छा जी, अभी हम क्या कर रहे हैं कि 3D स्टूडियो मैक्स में एक चीज़ देख रहे हैं, उसका नाम है मटेरियल। मैक्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें पहले तो मॉडल किया जाता है कोई चीज़। मॉडल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर लगाया जाता है, मटेरियल लगाया जाता है, जिससे उसमें कोई कस्टम कलर, कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जिससे उसमें डिज़ाइन हुआ था। आपने फ़ोटो फ्रेम बनाया, अब उसके अंदर जो तस्वीर लगेगी वो आप मटेरियल से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लुक जो होता है वो मटेरियल से जो है वो आपको नज़र आएगा। अब अगर आपने जो है वो मॉडल अच्छी की हुई है और फिर मटेरियल लगाया है, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और लगानी पड़ती है मटेरियल के बाद, लाइट, तो फिर हम उसका रिज़ल्ट देख पाते हैं। मटेरियल आएगा कहाँ से? मटेरियल के लिए आप या तो M प्रेस कर दें, या फिर ये ऊपर टूल बार में मटेरियल एडिटर का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ मटेरियल एडिटर में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है क्लासिक पुराने वाला जो है मटेरियल एडिटर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि इसके टोटल मटेरियल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर इसके टोटल मटेरियल देखा जाए, सबसे लास्ट जो मटेरियल है 24 ज़्यादा मटेरियल ला नहीं सकते, फिर पुराने स्लॉटों को आपको डिलीट करके फिर उसको लाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया। लेकिन अब जो नया मटेरियल है वो स्लेट मटेरियल एडिटर है। स्लेट मटेरियल एडिटर बेसिकली तीन हिस्सों में जो है ना वो डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा जो होता है उसका वो जो है वो यहाँ पे मटेरियल और मैप ब्राउज़र होता है, बीच में आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं, और राइट पे उसकी सेटिंग्स होती हैं। अगर मैं यहाँ इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूँ, तो अगर हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल और मैप ब्राउज़र, ठीक, यानी कि यहाँ मटेरियल भी और मैप भी। डिफरेंस ये है कि मटेरियल जो है वो, जैसे ये वाला सेक्शन देखिए मटेरियल, दूसरा वाला जो है मैप है, तो अगर मैं मटेरियल को ओपन करता हूँ तो मटेरियल एक कलेक्टिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जी सी ड्राइव है, कंप्यूटर के अंदर होते हैं सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, तो एक पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा एक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। अब मटेरियल की भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैप जो होता है वो मटेरियल के अंदर प्लग होता है, मटेरियल के अंदर जो है ना वो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको मटेरियल खोलना पड़ता है, वो एक कह लीजिए कि एज अ होल कम्प्लीट अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें उस मटेरियल से कनेक्टेड होती हैं। तो मटेरियल को अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के जो है मटेरियल हमें नज़र आ रहे हैं, एक है जर्नल, एक है स्कैन लाइन, और ये दो तो कॉमन, ये होता है कि ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे अगर मैं जर्नल खोलूँ तो आपको कुछ मटेरियल मिल रहे हैं, ये मैक्स के अपने हैं। स्कैन लाइन मैक्स का अपना पुराना वाला है, लेगेसी का मतलब होता है पुराना मटेरियल। तो ये दोनों जो है वो स्टिल काम करते हैं, कोई भी रेंडर इंजन हो उसमें काम करेंगे, लेकिन ये दो जो आप देख रहे हैं कोरोना और वीर है, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये है क्या, जैसे मैंने बात की कि ये रेंडर इंजन होते हैं। रेंडर इंजन क्या होते हैं कि जैसे मैक्स में, माया में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें जो स्टैंडर्ड तरीका होता है फाइनलाइज करने का तरीका, जिसको हम रेंडर कहते हैं, तो वो उसका रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं होता उतना। फिर क्या किया जाता है कि ये वाले जो ऑप्शन होते हैं कोरोना वीर है, इसके अलावा और कोई रेंडर इंजन, वो इंस्टॉल किया जाता है। ये काम करते हैं किस तरह कि इसके अपना जो है वो मटेरियल होता है। मॉडलिंग तो आप नॉर्मल जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन अपना मटेरियल होता है और अपना ही जो है वो लाइट होती है और अपनी ही रेंडर की सेटिंग्स होती है। इन तीन ही चीज़ों को मिला के ये रियलिस्टिक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कोरोना करें या वीरे करें, तो ये इसमें डिबेट है, ये चलती रहेगी। लेकिन कोरोना अपनी जगह पर काम जो है ना, उसकी वर्किंग अच्छी है, यहाँ पर भी अच्छे रिज़ल्ट बनाए जा सकते हैं और वीरे में भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तो चॉइस है कि क्या यूज़ किया जाए। हम यहाँ पे दोनों को देखेंगे ये किस तरह से काम होता है। अच्छा, ये आने से पहले, यहाँ लाने से पहले आपको इसके लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि आप रेंडर की सेटिंग में आ जाएं। ये रेंडर की सेटअप है, F10 प्रेस करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि रेंडर के सेटअप के। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यहाँ देखिए कि रेंडर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कोरोना भी मिल रहा है। एट अ टाइम एक ही कर सकते हैं, कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोरोना किया हुआ है मैंने, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये कोरोना के ही ऑप्शन दिख रहे हैं। वीरे है, लेकिन अगर मैं वीरे को एक्सपेंड करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही मटीरियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ से वीरे कर देता हूँ,
तो अब क्या होगा कि वहाँ पे वीरे के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा इसको अपडेट किया है इसने, अब अगर मैं देखूँ तो कोरोना का एक ही मटेरियल रह गया, वीरे के मटेरियल ज़्यादा आ गए। तो पहले आपको रेंडर सेटिंग में जाके चेक कर लेना है कि आपका रेंडर इंजन कौन सा है, उसके बाद ही ये तभी होगा इंस्टॉल, तभी एक्टिवेट होगा जब आपने इंस्टॉल किया वो वीरे या कोरोना जो भी। तो मटेरियल में आ जाते हैं दोबारा से। अब इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो है ये मटेरियल जो है वो अभी इसमें हमने ओपन किया कोरोना का मटेरियल राइटर, इसमें भी बहुत सारे टाइप के मटेरियल है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये स्किन मटेरियल, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई स्किन पे अप्लाई, कोई करेक्टर बना रहे हो स्किन के लिए अप्लाई करना है तो आप ये वाला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ और भी हैं जैसे लाइट मटेरियल, तो इससे क्या होगा कि लाइट इमिट होगी, जैसे एनर्जी सेवर है, ट्यूबलाइट या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको लाइट निकालनी है तो वहाँ पे मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइट अपनी अलग से भी लगा सकते हैं लेकिन मटेरियल के तौर पे भी बनाई जा सकती है। तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। हम जो स्टैंडर्ड मटेरियल है इसका कोरोना फिजिकल मटेरियल, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके वर्किंग के एरिया में ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, अब ये जो है ये जो अभी स्लेट मटेरियल एडिटर है ये नोड बेस है। नोड बेस का मतलब भी समझ में आएगा आपको कि ये जितनी भी हैं इन सब में नोड अटैच होंगी और नोड ही एक्सपोर्ट होंगी। मतलब क्या है कि अगर मैंने मटेरियल खोला, जैसे मैंने अभी बात की कि ये कम्प्रीहेंसिव इसके अंदर तमाम चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो ये मटेरियल के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट चैनल्स हैं। डिफरेंट चैनल्स के अंदर हर एक चैनल के अंदर अलग करेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पर अगर बेस कलर की हम बात करें तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो आपको ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर नज़र आएगी। तो मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने कोई, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप एक रैपिंग पेपर से उसको रैप कर देते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो रैपिंग पेपर नज़र आएगा, लेकिन जो शेप होगी वो उस ऑब्जेक्ट की होगी जिस ऑब्जेक्ट पे आपने रैप किया हुआ है। तो बेस कलर बेसिकली आपका क्या है कि मेन जो आपका मटेरियल है जो आपको नज़र आना है वो यहाँ पर नज़र आएगा बेस कलर पर। और दूसरे ऑप्शन हैं, दूसरे और चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर ऑप्शन है डिस्प्लेस का। डिस्प्लेस क्या करेगा कि जो मटेरियल आप यहाँ पे लगाएंगे वो उभर जाएगा, एम्बोज हो जाएगा। तो हर एक चैनल की अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं कि जूम इन जूम आउट कैसे होगा। ये स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट हो जाएगा माउस के स्क्रॉल से। अगर दरमियान वाला बटन माउस का प्रेस कर देंगे तो ये पैन हो जाएगा। यहाँ पर आप अनलिमिटेड मटीरियल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है मटेरियल को, तो राइट साइड पे इस मटेरियल के ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मटेरियल और मैप एक साथ दिए हुए हैं और यहाँ पर सबकी सेटिंग एक साथ मिलती है आपको, तो इस वजह से ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने मटीरियल एक ले लिया, मैंने मटीरियल को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैप की बारी आ गई, मैप को मैंने क्लिक किया, एक्सपेंड किया है इसमें। अब यहाँ पे भी बहुत सारे तरह के मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे वीरे का भी मटेरियल है, जर्नल भी मटेरियल है। तो अब चूंकि हमने कोरोना मटेरियल ही अप्लाई करना है तो हम कोरोना का ही मटेरियल जो है ना उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये नहीं है कि जर्नल मटेरियल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है वो भी वीरे हो या कोरोना हो वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करें। कोरोना के मैप्स हैं ये। अब ये मैप्स क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे कोरोना का बिट मैप एक मैप है यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस जो इसमें ये होगा कि आप कोई यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ से, कोई तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से कि मैं यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो है ना वो पिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या हुआ है कि इस वाले मैप के अंदर, ये वाला जो मैप अभी हमने लिया मैप के ऑप्शन में, इसमें हमने बिट मैप लिया और उसमें आपने एक तस्वीर लोड कर दी। तस्वीर जो कहलाएगी वो टेक्सचर कहलाएगा। तो तस्वीर टेक्सचर हो गया, टेक्सचर अप्लाई हुआ मैप के अंदर और मैप को हम कनेक्ट करेंगे मटीरियल के अंदर और मटीरियल को अप्लाई करेंगे मॉडल के ऊपर, तब कहीं जाके हमें तस्वीर नज़र आएगी। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ये सारे 3D सॉफ्टवेयर में इसी तरह से काम होता है। अब ये मैप जो है या ये जो टेक्सचर जो आप देख रहे हैं ये आप किसी भी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक के अंदर अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन अभी हमने बात की है कि हमें इसको देखना है
तो हम इसको बेस कलर के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये इसका आउटपुट पॉइंट है, ये इसका इनपुट पॉइंट है। तो इसके आउटपुट को इसके इनपुट से कनेक्ट कर देंगे और ये जो है ये नोड जो आपको नज़र आ रही हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये नोड बेस है। इस एक नोड को आप दूसरी जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं, इसी जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इस मैप में चेंजेस करेंगे, लेट्स से कि अगर मैं इस मटेरियल के बजाय इस मैप को सिलेक्ट करूंगा, तो इसकी सेटिंग्स आ रही हैं। इसकी सेटिंग में ये है कि मैं यहाँ पे इसका मैप चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लोड मैप पे आके अगर कोई दूसरा टेक्सचर ले लूँ, तो दूसरा कोई ये वाला वुड वाला टेक्सचर ले लूँ, तो अब क्या होगा कि इन दोनों जगह पे उसका अफेक्ट आएगा। ठीक है, फ़िलहाल खैर मेरे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ इसको बेस कलर पे लगाया हुआ है, दूसरी वाली जगह से मैंने हटा दिया, तो ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ मल्टीपल मैप्स लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल मैप्स भी हैं तो यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर वैसे ये वाला बिट मैप यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ। मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि अगर मैंने ये वाला फ्लोर सिलेक्ट किया और अब मैं इस मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये वाला, इसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये वाला मटेरियल जो है वो अप्लाई हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमें वही वाला टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो कि कैसे पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे अगर ये हटा दूँ कनेक्शन, तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपको उसका लुक ख़त्म हो गया। बेस कलर मैंने बताया था कि वो कलर होता है, वो चैनल होता है जहाँ से आप वो जो भी मैप इस पर अप्लाई होता है वो आपको नज़र आता है। तो मैं इसको बेस कलर से दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें आपको अगर कुछ चेंजेस करनी है, लेट्स से कि जी अगर आप उसको टाइलिंग, बड़े बड़े टाइल नज़र आ रहे हैं आपको, आप चाह रहे हैं थोड़े बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप्स नज़र आएँ, तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो कि विद इन इस मैप के अंदर भी हम रहते हुए यहाँ टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका मेरे ख्याल में यह है कि आप जो है वो मॉडिफायर पैनल में आएँ, मॉडिफायर पैनल में मॉडिफायर लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे हम UVW मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। अब ये UVW क्या है, ये XYZ है, UX है, Y और Z, ये किस चीज़ का XYZ है, ये मैप्स के XYZ है। ठीक, यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि मटेरियल में भी नहीं होते, वो सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि ये तो बेसिक सा सरफेस है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ मैक्स को पता नहीं होता कि XYZ कहाँ पे होंगे, तो हमें खुद से इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इसमें क्या है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि अप्लाई कैसे हुआ, कि आपने उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर ये अप्लाई किया और अब मैं यहाँ पे इसकी टाइलिंग बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे 4 टाइल एक्स में कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कुछ चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे भी 4 टाइल कर लेते हैं, एक्स और वाई में 4 टाइल हो गए, तो आप देखेंगे इसके वो छोटे हो गए, रिपीट आ गए। लेकिन टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि बीच में जोड़ पता ना चले। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे जोड़ है, तो अगर आप टेक्सचर बना रहे हैं ठीक है, नहीं तो अगर नेट से उठा रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी आप लिख रहे हैं उसके आगे सीमलेस लिखें। जैसे अगर आप वुड टेक्सचर लिख रहे हैं तो वुड टेक्सचर के आगे टाइलेबल लिखें या सीमलेस लिखें, ताकि आपको वो जोड़ ना मिले। जब आप जितनी दफ़ा भी उसको रिपीट करवाएं तो आपको एक लाइन नज़र ना आए, ब्लेंड हो जाए, वो इस तरह के टेक्सचर आपको मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं हमने क्या किया कि एम प्रेस किया, एम प्रेस करने के बाद मटेरियल एडिटर आ गया, ये वाला मटेरियल ठीक है। मैं यहाँ पे एक और मटेरियल लगाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ कहाँ पर आए, सबसे पहले हम यहाँ मटीरियल में आए, मटीरियल में हम क्रोना में आए, कोरोना में आने का फिज़िकल मटेरियल जो है वो हमने ड्रॉप किया इस वाले एरिया में। अब मुझे यहाँ पे कोई तस्वीर लगानी है, या तस्वीर लगा लेते हैं, तो वो किसके लिए मुझे कोई मैप लगाना पड़ेगा, वो मैप में जाऊँगा, कोरोना का मैप ओपन करूँगा। अब अगर बिट मैप की जगह कोई और सा अगर हम ट्राई करें, नहीं आएगा, इस कोई मज़ा नहीं दिख रहा हमें, यहाँ से हम कोरोना बिट मैप ही यूज़ कर लेते हैं। और इससे हम कोई भी तस्वीर जो है ना वो लोड कर लेते हैं,
देन इसको बेस कलर पे अप्लाई कर लेते हैं। अब मुझे इस टी पॉट को सिलेक्ट करना है, टी पॉट को सिलेक्ट करके मटेरियल को सिलेक्ट करके मटेरियल पे क्लिक करके अब असाइन मटेरियल करेंगे तो ये वाला मटेरियल कहाँ पे यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये उस सूरत में है कि आपको कोई तस्वीर या कोई मैप इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक, अगर मुझे कोई मैप अप्लाई ही ना करना हो, लेट्स से कि मुझे सिर्फ इसकी गोल्ड टाइप की या कॉपर टाइप की जो है वो मटेरियल लगाना हो, तो हमें मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस मैप को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और अनलिंक भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट किया और इस मटेरियल को अप्लाई तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ से एक दफ़ा फिर से अप्लाई कर लेते हैं, जो सिलेक्ट होगा ऑब्जेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ मटेरियल के अंदर ही देखें तो कुछ चेंजेज आ सकती हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे कलर है और कलर पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लें तो आप देखेंगे कलर चेंज हो गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, अगर आप यहाँ पे प्रीसेट में देखें, अप्लाई प्रीसेट, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास पहले से बने बनाए मटेरियल की सेटिंग हैं। ये सेटिंग सिर्फ कलर के लिए नहीं है, ये अंदर भी जितने ऑप्शन हैं उन सब के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे ऑप्शन एक वक्त में आप देख नहीं सकते। तो आप क्या करें कि आसान ये करेंगे कि पहले प्रीसेट अप्लाई कर देंगे। लेट्स से कि जी मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं इसमें कॉपर अप्लाई करता हूँ। तो कॉपर मैंने अप्लाई किया, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा, और ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हमें मटेरियल दिख नहीं रहा ये वाला। ठीक, तो मटेरियल देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको रेंडर करना पड़े, रेंडर का मतलब फाइनलाइज करना पड़े, और वो फाइनलाइज के लिए ज़रूरी है कि आपको कोई लाइट लगाएं, और वो लाइट कहाँ से लगेगी, कोरोना की ही लाइट आएगी। वो जो है ये क्रिएट पैनल में जाके लाइट्स में आके आप ऑप्शंस पे इसके क्लिक करेंगे और यहाँ से कोरोना जो है सेलेक्ट कर लें, कोरोना लाइट पिक करेंगे। हमारा टॉपिक अभी मटेरियल का ही है तो लाइट सिर्फ हम लगा के देख रहे हैं, इंशाल्लाह लाइटिंग आएगी तो देखेंगे। और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ, लाइट की वोल्टेज थोड़े कम किए, लाइट की टाइप चेंज किए मैंने, और अब एक दफ़ा यहाँ पे मैं लाइट एक लगा लेता हूँ। ये लाइट अभी कहाँ पे है, ये लाइट इस प्लेन से पीछे की तरफ जा रही है, रेज देखें पीछे की तरफ जा रही है। मैं इसको आगे लेके आता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ और रोटेट करके थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अब मैं अगर रेंडर करूँगा तो ये लाइट लाने की वजह से अब इस पर शाइन वगैरह आ जाएगी और ये रेंडर हो पाएगी। मैं रेंडर क्विक रेंडर पे, रेंडर प्रोडक्शन पे इस पर क्लिक करता हूँ, F9 है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो मटेरियल जो आपको अभी आपने लगाया है वो मटेरियल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे हमने रफ कॉपर लगाया तो आपका रफ कॉपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे लाइट सिर्फ एक तरफ से पड़ रही है, अगर लाइट हम कुछ और लाइटें लगा लेंगे, इन्वायरमेंट एक बना लेंगे तो उसका लुक और बेहतर हो जाएगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इस दफ़ा हम आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोरोना के ही अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंटरेक्टिव रेंडरिंग। इंटरेक्टिव रेंडरिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार रेंडर के बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मटेरियल एडिटर खोलता हूँ, और इस दफ़ा हम रफ कॉपर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ग्लास पे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये पिक्सी ग्लास ले लेंगे तो फिर कुछ और लुक आ जाएगा, PVC जैसे मटेरियल होता है उस तरह का, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है। ये प्रोसेस जो है ये भी कैलकुलेट जो हो रहा है ये रेंडरिंग कहलाती है। रेंडरिंग क्या हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट को कंसीडर कर रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, मटेरियल की टाइप क्या है, लाइट कहाँ से लगी हुई है, और कलर वगैरह को सबको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बात वक्त ये होता है कि मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, और मटेरियल लगाने के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट वगैरह भी पूरा प्रॉपर बना हुआ। अभी इन्वायरमेंट में अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ अभी हम सिर्फ देख रहे हैं मटेरियल्स को, इस वजह से हमने बेसिक से मटीरियल पे इन्वायरमेंट पे से काम चला रहे हैं। मैं यहाँ पर गोल्ड मटीरियल ले लेता हूँ
अब देखिए यहाँ पे मेजर एरिया आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। ये ब्लैक क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये स्काई का कलर, इन्वायरमेंट का कलर ले रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऐसे क्रोम भी लूँ तो क्रोम में भी यही होगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। इसी जगह अगर मैं रफ क्रोम ले लूँ तो आप देखेंगे कि कोना जो है वो, या फिर भी कोने पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा आपको पॉलिश क्रोम टाइप का आपको मटेरियल नज़र आ रहा है। बाकी अगर इसमें चेंजेस करनी है, जैसे कुछ चेंजेस करनी है तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको प्लास्टिक का कलर ये वाला नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रफनेस चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा शाइनी सी प्लास्टिक चाहिए तो रफनेस चेंज कर सकते हैं इसमें। और भी सेटिंग इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि डिटेल में कैसे है, अभी इसका सिर्फ ओवरव्यू हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ तो कोरोना में थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बने बनाए मटेरियल भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप कोरोना की मटेरियल लाइब्रेरी ओपन कर लें, या आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ होगा तो आपको नज़र आएगी ये मटेरियल लाइब्रेरी, अदरवाइज़ यहाँ पे मटेरियल की लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी। मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करने के बाद इसमें देखें सेक्शन बने हुए हैं। जैसे अगर मैं वॉल पर आ जाता हूँ तो यहाँ जो मटीरियल हैं वो वॉल के हैं, प्लास्टिक के हैं, ठीक है, लिक्विड है, लेदर है, तो इनमें से हम कोई सा भी, जैसे हम सेरेमिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जैसे सेरेमिक्स के बर्तन वगैरह होते हैं हमारे शाइनी, कारपेट है, कार पेंट है, ठीक है, हेयर मटेरियल है, तो ये वाला मटेरियल ले लेते हैं। इस वाले मटेरियल को डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं आप, यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, या फिर जो है वो ऐसा भी किया जा सकता है कि इसको हम मटेरियल एडिटर में जो है ना वो ड्रॉप कर लें, ठीक है, तभी अब फिर वहाँ से अप्लाई कर लें। अभी आपने देखा कि मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया इसको, और अब जब मैं रेंडर करूँगा तो ये वाला मटेरियल आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो मटेरियल है लाइब्रेरी से भी आप इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं।